ये बिजनेस सबका एक जैसा नहीं चलता है, किसी का थोड़ा स्लो चलेगा, किसी का थोड़ा ज्यादा चलेगा, किसी का और ज्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगे रहें और आप सफल ना, ये पॉसिबल है। हाँ, किसी का कम चलेगा, धीरे चलेगा, किसी का थोड़ा तेज चलेगा, किसी का बहुत तेज चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप चलते रहें और आप सफल ना। ये मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो सिस्टम को भी फॉलो कर रहा हो, जो अपनी टीम के साथ सिस्टम से काम कर रहा हो, उसकी स्पीड भले ही स्लो हो, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कई लोगों को तो मैंने 5 5 साल के बाद सफल होते हुए देखा नेटवर्क बिजनेस में, और उसके बाद ऐसी सफलता आई है कि वो 5 साल का जो संघर्ष था वो खत्म हो गया। सर, भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला। सोच के देखो ना, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है ना, जो जिसका कल रास्ते लग होना है, 2 दिन बाद रास्ते लग होना है, तैयारियां चल रही हैं, क्या खुशी रही होगी, क्या माहौल रहेगा, फूलों से सजरा, कितने बड़े बड़े तो चक्रवर्ती राजा थे, उनके जैसा तो कोई था ही नहीं, कितना बड़ा आयोजन हो रहा होगा, कितनी बड़ी तैयारियां हो रही होंगी, है ना, सब सोच रहे होंगे, वाइफ अलग सोच रही होगी, सब सोच रहे होंगे, जैसे ये तो समझ में लगे कि शादी हो रही, बारात जा रही है, और एंड टाइम पे पता लगे नहीं नहीं कैंसिल हो गया भाई मामला। तो जब बारात किसी की जानी होती है, बहन अलग तैयार होती है, माँ अलग तैयारी करती है, पिताजी अलग तैयारी करते हैं, भाई अलग अपनी तैयारी कर रहा है, रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, लड़का अपनी अलग तैयारी करता है, मौसा अलग तैयारी कर रहा है, वो अलग तैयारी, एक छोटी सी शादी में कितना बड़ा हम देखिए, हर आदमी अपने अपने स्तर पर तैयारी करता है, क्या पहन के जाना है, कैसे डांस करना है, क्या करना है, कैसे खिलाना है, हलवाई अलग तैयारी कर रहा है, टेंट वाला अलग तैयारी कर रहा है। सोच के देखिए, भगवान राम का जब रास्ते अलग होना होगा तो कितना भव्य आयोजन हो रहा होगा, सोच के देखिए आप। ये तो अभी जो मोदी जी करा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये तो उसका, मेरा जहां तक ख्याल है, उस तैयारी का राई मात्र भी नहीं होगा। उस टाइम में देखिए क्या होगा यार, क्या राजा महाराजा और किस तरीके की चीजें होंगी उस वक्त, और अचानक एक दिन पहले पता लगता है कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं होने, रास्ते तक नहीं होगा, यहाँ तक भी आदमी मान ले कि चलो रास्ते तक नहीं होगा, 14 वर्ष के वनवास पे जाना पड़ेगा, चलो यहाँ भी मान ले 14 वर्ष के वनवास पे जाएंगे तो ठीक है यार, 50 60 सैनिक लेके चलते हैं, वहां पे टेंट वेंट लगाएंगे, सैनिक है अपने पास, तो दुनिया भर की, हमारे साथ तो राजा थे ना, तो उनके साथ तो बहुत, उनके काम करने वाले जो थे वो थे, सभी लोग सेनापति, और वो काम करते, उनको तो टेंट में आराम से रहना था, एक पंखा चलाता रहता, नहीं लेके भी कुछ नहीं जाओगे, लेके भी कुछ नहीं जाओगे यहाँ से, एक आदमी, एक कुछ भी सुख सुविधा नहीं लेके जाओगे, 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा भाई, मैंने तेरी माँ को वचन दिया, और हम सूर्यवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कई बार पहले भी अपनी मीटिंग में पूछता था, आज आपसे पूछता हूँ, अगर आप 3 भाई हो और पिताजी बोल दें बेटा देख मैं आज हिस्सा कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहा हूँ, लेकिन भाई तेरे को नहीं मिलेगा, इन 2 को मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दे दिया है कि भाई तुम ले लो चाहे कुछ भी, मेरा ही बेटा लायक है, मेरा कहना मानता है, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे मुझे बताओ। भाई साहब, सर फोड़ने के लिए खड़े हो जाओ, गालियां देने के लिए खड़े हो जाओगे, भाइयों से लड़ने शुरू हो जाओगे, पिताजी से लड़ने शुरू हो जाओगे, सीधा जाओगे पुलिस थाना चौकी, और उसके बाद कोर्ट, और उसके बाद सीधा पिता भी थाने में खड़े हैं, जज के सामने खड़े हैं, भाई भी खड़ा है और आप भी खड़े हो, और पूरे परिवार की जो इज्जत है वो चल रही है सर, चक्रवर्ती राजा भाई साहब, सोच के देखिए क्या क्या यार, मैं कह रहा हूँ कि क्या मतलब अंदर का, क्या मतलब सोचने की ताकत होगी, देखिए क्या माइंड सेट होगा, सह स्वीकार, ठीक है पिता आपने दिया कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं हंसते हंसते, उनकी छोड़ो, उनकी वाइफ जिनका कोई रोल ही नहीं था, आपकी और हमारी वाइफ थोड़ी छोड़ के चली जाएगी, आपकी हमारी वाइफ तो और पिन मारती है, तुम्हें 10 गज जमीन कैसे सस्ती मिलेगी, ऐसी ले लोगे, पागल हो रहे हो, ये हो रहे हो, तुम तो इतना माँ के लिए करते हो, इतना पापा के लिए करते हो, नहीं लड़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया एक एक बराबर बटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चल देते हैं लड़ने के लिए, वो भी चल दी, जबकि उनकी, उनके तो पिता जो थे वो तो जनक जो थे वो छोटे मोटे थे क्या जनक, वो तो कह सकती थी भाई जाओ तुम्हें तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी ने दिया है, मैं तो अपने पिताजी के पास रह लूंगी, मेरे पिताजी तो राजा हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मेरे को रख लेंगे 14 साल के बाद, 14 साल तलाक वलाक देखे जाओ यहाँ पे, चलो हो गया काम, क्या रहा होगा यार, सीता जी भी साथ चल दी, भाई के साथ चल दिया, भाई का कोई रोल नहीं था, भाई भी साथ चल दिया देखो, और उसके बाद जब वहां से वापिस आए तो आज भगवान राम क्या लग रहे, अगर उस वक्त सोच के देखिए, अगर उन्होंने पिताजी की बातों को मान लिया होता तो भगवान राम थोड़ी होते यार। तो ये जो भगवान ने ये जो कहानी की रचना की है ना, ये जो किरदार निभाया है, उस किरदार से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे समाज से, पहले के लोग इसीलिए आपस में भाई भाई लड़ते नहीं थे, क्योंकि ये सारी कहानियां ये सब गांव में सुनते थे, देखते थे, माँ बाप के मुंह से सुनते थे, एक अच्छा कल्चर रहता था, इस तरीके की चीजें सामने में नहीं आती, परिवार संपन्न होके रहता,
अब वो चीजें नहीं रही हैं, अब तो हम कुछ और देखते हैं, मीडिया कुछ और दिखा रहा है, न्यूज चैनल कुछ और दिखा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री कुछ और दिखा रही है, सब कुछ झोल झाल उल्टा सीधा चल रहा है। वो हमारे दिमाग भी जो वो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो सर आप 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अगर कोई आदमी है, देखो पांडव जो है कितने साल वन वन भटके, सब कुछ था पांडव का, लड़के ले सकते थे उसी टाइम ले सकते थे, लेकिन नहीं नहीं दिया, बाद में हुआ जो भी है ना। तो संघर्ष तो देखो जीवन का हिस्सा है, लेकिन संघर्ष करते समय अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको अकेले में बैठ के ना एक आत्ममंथन करना चाहिए। वो आत्ममंथन ये करना चाहिए कि क्या वाकई आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जिसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। एक आत्ममंथन ये कीजिए, जैसे भी बीना शर्मा जी को आप रोज देखिए, रोज उठती होंगी सुबह, अपने घर में तो आराम से उठती होंगे ना 9, 10, 11 बजे आराम से उठती होंगी, कोई उठाने वाला तो है नहीं, कोई कहने वाला तो है नहीं, अपने हिसाब से नहाती होंगी, अपने हिसाब से खाना बनाती होंगी, अपने हिसाब से खाती होंगी, अपने घर पे तो अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन अब जब वहां गई हैं तो सारा रूटीन देखिए जो उन्होंने आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बना रखा है वो फॉलो करना पड़ रहा है। जहां जहां ले जाएंगे जाना पड़ेगा, रात को जहां पे सुलाएंगे सोना पड़ेगा, सब चीजें देखो उनके हिसाब से हो रही है। ये संघर्ष सर करना पड़ता है, ये संघर्ष, ये जो मेहनत है सर ये करनी पड़ती है। तो आप अपने को चेक कीजिए, क्या आप वाकई इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं क्या उस रिजल्ट के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका दिल गवाही देता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार ये चेक कर लेना कि मेहनत कहीं गलत दिशा में तो नहीं कर रहे। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ सर मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं भी प्लान दिखाता हूँ, मैं भी घर से निकलता हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो निश्चित रूप से आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं नहीं सर मेरी दिशा भी सही है और मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, तो मेरे से एक बार पर्सनली जरूर मिलना, मैं आपके साथ 5 दिन रहना चाहूंगा कि आप कैसी मेहनत कर रहे हैं मैं देखना चाहूंगा। मैं एज ए समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ चलूंगा, फिर मैं देखूंगा 5 दिन आपको कि वाकई आप किस तरीके से करते हैं, और फिर मैं बता दूंगा आपने काम गलती कर। ऐसा नहीं हो सकता सर, जो इंसान सही दिशा के अंदर मेहनत करे उसको रिजल्ट ना मिले, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता सर। भगवान ने क्लियर लिखा हुआ है कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी कर्म आपका, कोई भी कर्म दुनिया में व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान रखें आप, व्यर्थ नहीं जाता ये ध्यान रखें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके कर्म का रिजल्ट ना। तो कई बार ऐसा होता है संघर्ष ज्यादा भी करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा भी करनी पड़ती है, खाना पड़ता है सर, रातों रात चीजें बड़ी नहीं होती। एक पौधे को भी सर वृक्ष बनने में 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। आप अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं सर, तो जिंदगी को यार बदलने के लिए 3 से 5 साल तो देने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो एक बार झांक के देखिए कि उसके लिए आप कितने लोगों को शिद्दत के साथ सिस्टम के साथ प्लान दिखाते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता सर आप प्लान दिखाते हो और लोग आपके साथ ना जुड़े, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 26 साल से मैंने अपने खूब एड़ियां रख ली हैं सर फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप निकल जाओ, किसी भी इंसान को पकड़ के निकल जाओ सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही वो इंसान छोड़ देगा लेकिन वो कुछ काम करने वाले लोग आपको दे जाएगा। तो अगर मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं बार बार थोड़ी बहुत देर में मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, मेरा माइंडसेट अभी पॉजिटिव नहीं है, मैं अभी लॉन्ग विजन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं काम करने से पहले ही एक्स्ट्रा रिजल्ट के बारे में सोच लेता हूँ। ये भी एक कमी होती है कि आप कोई काम करने जा रहे हो उससे पहले एक्स्ट्रा रिजल्ट के बारे में आपने सोच लिया, एक्स्ट्रा रिजल्ट कि मुझे ये ही मिलना चाहिए, अगर आपने वो सोच लिया उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आती आपकी बैटरी डाउन हो जाती। कर्म करो सर, फल की चिंता मत करो, हर कर्म का फल मिलता है ये ध्यान रखें, कर्म करने में बिलीव करें। 3 साल यार प्लान दिखाना बात करता हूँ।